सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की हेलो महेश गुड मॉर्निंग रजल, गुड मॉर्निंग सर गाइस एक बार जल्दी से बताओ कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है ना स्क्रीन विस्क्रीन में सब चीज़ क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन अपना हेलो देवी की दुनिया गुड मॉर्निंग पुनीत ठीक है आर्यन थैंक यू थैंक यू हैप्पी गणेश पूजा सर आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग निशा मैं अच्छा हूँ अंजलि आप बताइए तो जैसा आप सभी को पता है कि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज भी वही करने वाले हैं और कुछ जैसा आपने कहा था कि सर पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज बढ़ाओ है ना तो मैंने दो पज़ल रख दिया आज ठीक है अच्छे लेवल की हैं मॉडरेट की हैं तो आज आपको बनाने में मज़ा आएगा और कोशिश करना कि सही बन जाए है ना तो उससे पहले फटाफट एक बार जल्दी से ये आपकी ड्यूटी है कि आपको एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर देना इतना तो बनता है गाइज़ है ना जल्दी से एक बार हर जगह एक बार शेयर कर दो जहाँ भी आप कनेक्टेड हो यानी जितने भी ग्रुप्स पे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो सेशन को ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं हेलो नीरज गुड मॉर्निंग ओके ओके चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट ठीक है अगर अभी तक आपने अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फ़टाफट डाउनलोड कर लो क्योंकि ये जो चीज़ें आप सामने देख रहे हो ये सब उसमें मिल जाएंगी आराम से ठीक है और अगर अब इस तक इंजीनियरस अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो फटाफट क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो वीडियोस हैं वो आपके ऑटोमेटिकली पोस्ट पे दिखती रहेंगी और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ठीक है हेलो मंदीप गुड मॉर्निंग राम राम जी कैसे हो चलो स्टार्ट करते हैं है ना आज डे नंबर थर्टी फाइव है तो हम पैंतीसवें पार्ट पे पर पहुँच है, चुके हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी रखते हैं जिससे कि आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस ओवरऑल व्यू मिलता रहे ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये कल होमवर्क था यहां तो यहां से स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने ठीक है जल्दी से आंसर करेंगे और फिर एकदम से आपको दिखेगा <coughs> क्या पजलो सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है थैंक यू नीरज थैंक यू सो मच सही कह रहे हैं, कोड यूज करना है ओके, ऑप्शन सी। देवी की दुनिया ही सर मेरा ये फर्स्ट डे है, कैसे तैयारी करूं आ, आपका पहला दिन है तो क्योंकि आप घबरा घबराना मत क्योंकि ये सब प्रो हैं, जितने भी आप देख रहे हो ना देवी की दुनिया आपका नाम ही एक तो ऐसा है तो अभी आप जस्ट कंटिन्यू में रहो है ना देखते रहो कैसे बनाना है क्वेश्चन कोशिश करो बनाने की नहीं होता है तो एक बार सॉल्यूशन देखना फिर ठीक है इसमें प्रॉब्लम है ये नहीं बनता मेरे से मंदिर बहुत आसान होता है देर थ्री पोजिशन दे रखी है क्यूब की आर शोन इन द बिलो वॉट अवेलेबल पोजिशन ई के अपोजिट आपको बताना है ऑप्शन के हेल्प से बी डी ए एफ में से कौन सा जाएगा ठीक है अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं है ना एक तरीके तो यही कि आप ऑप्शन के हेल्प से चले जाओ है ना जैसे ई e के अपोजिट है जैसे या या फिर कॉमन चेक कर लो जैसे इसमें ए आ रहा है है ना और इसमें भी ए आ रहा है और बाकी तो कॉमन है नहीं है डी भी नहीं है बी भी नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं ना ए से क्लोकवाइज या एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दो है ना दोनों डाइस को तो ए डी और फिर बी है ना इसको मूव कराएंगे अगर हम ए सी और एफ तो ये दोनों क्या होंगे इसके अपोजिट हो जाएंगे डी के अपोजिट एफ सी बी के अपोजिट एफ तो बी नहीं आ सकता फिर क्योंकि अपने को ई e के अपोजिट चाहिए डी नहीं आ सकता ऑटोमेटिकली है ना एफ नहीं आ सकता क्योंकि एफ बी के अपोजिट आ चुका है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा अपने पास सी दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्लियर है Clear है? है गाइस सबको बड़ी आसानी से हमने अपोजिट चेक किए और फिर आंसर कर लिया ऑप्शन एलिमिनेशन से ठीक है इसको बताओ इन द गिवन क्वेश्चन हाउ मेनी ब्लैक बटन्स आर द शर्ट्स कितने ब्लैक बटन्स हैं जो शर्ट्स हैं कितने ब्लैक बटन हैं जो शर्ट हैं आपकी वो आपको बताना है आ, सर मैंने मॉक टेस्ट में रीजनिंग में तीस मार्क्स आ रहे हैं कोई चांस है एस जेई के पैतालीस तक आ सकते हैं आदर्श पहले तो ये चेक करो कि जो तीस मार्क्स आए हैं वो कितने टाइम में आए हैं है ना कितना टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें और ये देखो कि तीस मार्क्स आए हैं तो बीस नंबर का जो गैप है है ना पचास नंबर आने हैं तो ये बीस मार्क्स आपने छोड़े हैं या कोई गलत हुआ है वो चेक करो एक बार है ना कि आप वाक्य में कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हो मतलब अभी तक नहीं कर अटेम्प नहीं कर पा रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलत हो रहे हैं ये चेक कर लो एक बार ठीक है हाँ कॉमन दूसरे से भी हो सकता था कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी आंसर निकाल लो ठीक है इन द गिवन क्वेश्चंस हाउ मेनी ब्लैक बटन आर द शर्ट ब्लैक बटन मतलब जो ब्लैक जो है सर्किल को डिनोट कर रहा है बटन जो है आपके ये है शर्ट आपकी यहां है आपको बताना कितने ब्लैक बटन होंगे जो शर्ट होंगे तो ब्लैक भी होना चाहिए बटन भी होना चाहिए और फिर शर्ट भी होनी चाहिए तो यानी कि सबका कॉमन आना चाहिए और कॉमन आपको दिख रहा है सिर्फ उन्नीस ही आपका जो तीनों में कॉमन आएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज ट द पैटर्न इन द गिवन क्वेश्चन ठीक है तो ये तो बड़ा आसान सा है क्या करना है फिल करना है इनको तो आप ऑब्जर्वेशन की हेल्प से कर सकते हो यहाँ एक वो चलेगा और ये ऐसे मिल जाएगा ये तो गलत हो गया ये भी गलत हो गया है ना ये भी गलत है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सिंपल ठीक है चालीस मिनट में तीस मार्क्स आए और क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन रोंग हो रहे हैं बाकी स्किप कर दे रहा हूं चालीस मिनट में तीस नंबर कम है आदर्श है ना अगर आप 40 मिनट दे रहे हो तो यानी कि आपने स्पीड आपने तेज नहीं की होगी स्किप आपने तेज नहीं की है फिर है ना यानी कि आपने एक एक क्वेश्चन को फिर ज्यादा टाइम दे रहे हो आप ठीक है मैं तो आपको 45 मिनट देने को कह रहा हूं ना 45 मिनट दो 40 से 45 मिनट दो लेकिन आपको 50 क्वेश्चन के आसपास टारगेट होना चाहिए फिर आपका ठीक है ना तो पहले यह चेक कर लो कि आपका कौन से गड़बड़ आ रही है ठीक है अमोल सिंह सर महापैग में जे एस एस सी हाँ हाँ जे एस एस सी का है इंक्लूड उसमें है ना पहले ये चेक कर लो आप आदर्श की जो आप तीस क्वेश्चन कह रहे हो कि तीस नंबर आए हैं कि तीस नंबर और बीस नंबर यानी कि बीस नंबर का फासला भी आपको तय करना है है ना तो तीस नंबर से काम नहीं चलेगा रीजनिंग में तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि पचास के आसपास यानी कि फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी करने के लिए तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अफर्ट करना पड़ेगा लेकिन पैंतालीस तो आ सकते हैं आराम से है ना फोटी प्लस तो आराम से आ सकते हैं ठीक है ठीक है इसमें बताना फ्रॉम द आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और इम्बेड जो छुपा है वो आपको बताना है क्या रहा है ऑप्शन में बताओ जल्दी से क्या अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता ना ऑप्शन डी को तो वैसे एलिमिनेट कर दो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता ऑप्शन ए हो सकता है क्या देखो uh, नहीं हो सकता ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता सी आ रहा होगा गाइज ऑप्शन सी आ रहा होगा वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट तो देखना एक बार <laughs> इसको बताना एक बार 23 का एक पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंचर एस ऑन इन द फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट अपीयर्स वो कैसा दिखाई देगा आपको ये पूछा है हाँ ऑप्शंस एलिमिनेशन वेरी गुड बहुत बढ़िया आर्यन गाइस दिस इज नॉट फेयर ओनली 45 लाइक्स है ना ये गलत बात है है ना अगर 133 पीपल आर नो वाचिंग तो लाइक्स तो एटलीस्ट बनते हैं ना सेंचुरी ठीक है इसका कितना आएगा बताओ आपको क्या किया इसने ऐसे है ये एक ऐसे किया और हल्के हल्के कट किए हैं तो जब ये ओपन होगा तो ये पूरा दिखाई देगा है ना यहाँ भी पूरा दिखाई देगा यहाँ भी पूरा दिखाई देगा तो ये तो गलत हो गया है ना तो यानी कि ये स्क्वायर में तो नहीं बनना चाहिए ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, आएगा। यहाँ भी आप ऑप्शन उप, एलिमिनेशन यूज़ कर सकते थे ऑप्शन ए ठीक है को बताओ ये तो काफ़ी आसान है मिरर इमेज है है ना देखते ही पता चल जाता है इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है बस सिंपल मिरर इमेज चेक करो कि जितना इतना गैप होगा इतना इधर होगा है ना जितनी डिस्टेंस इधर कवर हो रही है वो इतनी डिस्टेंस इधर कवर होगी और ये नहीं आ सकता था ऑप्शन को एलिमिनेट करो ये भी नहीं आ सकता था क्यों क्योंकि इमेज के जो मिरर है मिरर के पास जो है दोनों के दोनों खाली वाले हैं है ना शेडिड वाला नहीं है तो ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन बी जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे नॉन वर्बल वाले को जिसमें फिगर बेस्ड वाले हैं तो हमेशा क्या करना है आपको ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करना है है ना जैसे ही आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट ये है मैट्रिक्स वाला इसको बताओ एक बार जल्दी से मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है इसको बताना एक बार क्या आ रहा है आंसर आपको कोड करना है किसको आइडेंटिफाइड द वर्ड स्ट्रोम को एस टी आर ओ एम हेलो सर मैं अतुल अच्छा हाँ अतुल बताइए यस यूज़ ऑफ ऑप्शन हाँ ऑप्शन एलिमेशन इज द बेस्ट ओके तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस एक बार जल्दी से सेशन से को लाइक और शेयर कर दो है ना जिस जिसने अभी तक नहीं किया है ये गलत बात है अगर आपने शेयर नहीं किया अभी तक है ना इतना तो आप कर ही सकते हो अगर फ्री सेशन आपके लिए यूट्यूब पे हैं तो इतना तो बनता है आपकी फी जो है वो आपकी लाइक और शेयर ही रहती है इसमें है ना तो इतना आप कर सकते हो लाइक शेयर उसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं दोनों चीजें ठीक है स्ट्रोंग का कोड बताना क्या आएगा ऑप्शन से जा, जा सकते हैं हम एस का देखो क्या है दस है क्या वन जीरो एस तो आ रहा है दस पे फोर्टी वन पर देखना है इकतालीस पे एस आ रहा है चौंतीस पे थ्री एंड फोर एस आ रहा है यहाँ भी बाईस पे आ रहा है क्या बाईस पे भी एस आ रहा है ठीक है आगे देख लेते हैं एम से एम uh, को चेक कर लेते हैं एक बार सिक्सटी नाइन पर सिक्सटी नाइन पर एम आ रहा है क्या नहीं इसको एलिमिनेट कर दो फर्स्ट को एटी सिक्स पर एम आ रहा है क्या एटी सिक्स पर एन आ रहा है ये भी एलिमिनेट हो गया सेवेंटी एट पर सेवनटी एट पर भी नहीं आ रहा है एम ये भी एलिमिनेट हो गया सो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है उसका आ जाएगा बाईस ग्यारह इक्कीस सेवेंटी फाइव और नाइन्टी सिक्स ठीक है अतुल सिंह सर मैं तीन दिन में आपकी सारी पिछली क्लासेस पूरी करके आज आपकी लाइव क्लास कर रहा हूं ओके ओके अतुल वेरी गुड बहुत बढ़िया सी डी नहीं दिख रहे? अच्छा सॉरी फॉर सीओडी मैं बता देता हूँ डी आपका ये ऑप्शन था है ना बाईस ग्यारह इक्कीस पिछहत्तर और छियानवे नाइन्टी सिक्स ठीक है आगे चले अच्छा ये आ गया आपका पजल्स ये आ गया आपके पजल आई थिंक आपको पजल तो दिख रही है ना सबको ये बताओ पहले नहीं दिख रही है तो फिर मैं बत, करता हूं कुछ पहले ये बताओ पजल दिख रही है सबको सीटिंग अरेंजमेंट है एक तरह से आठ पर्सन को अरेंज करना है है ना आप कब कल कह रहे थे सर पजल कराओ पजल कराओ ठीक है प्रियांशु सिंह सर एक क्वेश्चन को कितना टाइम एक क्वेश्चन को ऐसे टाइम फिक्स नहीं होता है है ना प्रियांशु ऐसे फिक्स नहीं होगा कि एक क्वेश्चन को मैं इतना टाइम दूंगा फिर टाइम देखता रहूंगा मैं अच्छा दस सेकंड होगी फिर मेरे को आगे जाना है ऐसा नहीं होता ना है ना कभी भी टाइमर देख के आप क्वेश्चन सोल्व मत करना ठीक है ठीक है आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर एग्जाम में जब एसएससी जेई का दोगे या किसी भी एग्ज़ाम को दोगे तो जब टाइमर चलता है तो टाइमर को देख देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं मत करना ठीक है वो प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट में होनी चाहिए कि हाँ आप कर रहे हो और आपको पता चल जाएगा कि, कि हाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा या क्वेश्चन को दे तो देखते ही पता चल जाएगा कि मैं छोड़ने वाला हूँ इसको या करने वाला हूँ अगर करना है तो एकदम करना स्टार्ट कर देना स्पीड के साथ और कोशिश करना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना किया जाए किसी भी क्वेश्चन पर ठीक है क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है एक मिनट में दो क्वेश्चन को आपको गो थ्रू होना है है ना तो वहाँ फिर स्पीड चाहिए हाँ हाँ साइड हाँ करो प्लीज़ इसमें लेकिन मैं टाइमर दे देता हूँ आपको ठीक है स्टॉप वॉच दे रहा हूँ आपको ठीक है नीचे स्टॉप वॉच चल है सिर्फ दो मिनट है इस क्वेश्चन के लिए स्किप तो ठीक है वो तो ठीक है नीरज अभी बताओ अभी कैसे करोगे एग्जाम में तो स्किप कर दोगे वो तो ठीक है वो तो मैं समझ गया है ना वन गो में जो जाओगे वो स्किप करते जाओगे आप अभी बताइए क्या होगा जैसे ही हो जाता है डन लिख देना बस कमेंट में ठीक है सूरज दिख रहा होगा ऐसी तो बात नहीं यार सर आप दिल में उतर गए हैं आप। <laughs> थैंक यू अतुल पजल तो दिख रहा होगा सबको दिख रहा है ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने जैसे ही बन जाता है डन लिख देना ठीक है अच्छा क्वेश्चन है और कॉफी तो थोड़ा सा समझ के करना है और कभी भी देख के मत डरना है ना क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होते हैं कि लेंदी तो होते हैं दिखने में लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी आपको डायरेक्शन दी होती है आधे से ज़्यादा तो उसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन ठीक है समझ नहीं आ रहा मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ ठीक है अच्छा पूजा ने डन कर दिया है वेरी गुड बहुत बढ़िया डन ऐप पर लाइव कैसे कैसे करें मैं बता दूंगा यादव सानू बाद में बता दूंगा इस क्लास के एंड होने के बाद अभी क्लास को एंजॉय करो कैसे ज्वाइन करनी क्लासेस मैं बता दूंगा अंजलि मैं बता रहा हूँ कैसे करना है एक सेकेंड डन 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 स्किप सर इसमें डायरेक्शन नहीं समझ आ रही चलो मैं बता रहा हूँ चलो देखते हैं है ना ये बस मैंने इंग्लिश में लिख दिया पीछे हिंदी इंग्लिश दोनों में था अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है मैंने बताया था जब भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे इस तरह के तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें डायरेक्शन को ही समझनी बहुत जरूरी है डायरेक्शन क्या कह रहा है कि आठ है एट फ्रॉम ए टू एच ए टू एच यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच ये आठ पर्सन अरेंज है

तो दो पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं मैं अगर एक गलत होती है तो दूसरा सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है अपने को बताना है कि चार तो बैठे हैं इच ऑफ द कॉर्नर पे है ना यानी कि इस तरीके से और चार बैठे हैं साइड पे अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आठ परसेंट अरेंज करने अपने को ठीक है ठीक है दबन एट द कॉर्नर जो है फेसिंग इनसाइड अब देखो ये अच्छा पॉइंट है इसमें कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं मतलब अंदर की तरफ देखेंगे ये हाँ. तो अगर आप ये बना लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लेफ्ट और राइट चेंज होने वाले हैं सबके है ना बस इसमें लेफ्ट और राइट का खेल है कि अगर आपने वो सही एज्यूम किया आ, सही लिखा तो आपका आंसर भी करेक्ट जाएगा ठीक है अब देखो यहां तक तो तीन ढाई लाइन तो आपकी सिर्फ डायरेक्शन की थी है ना और ढाई लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ है ना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था बस आपको थोड़ा सा कि हाँ ये क्या हुआ द पर्सन नेम स्टार्ट फ्रॉम लेटर डू नॉट सिट एट देंट यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है इसने कि जो भी कॉन्जिकटिव है कॉन्जिकटिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक के बाद एक वो एक साथ नहीं बैठेंगे ठीक है डन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कोई दिक्कत नहीं आया है ना तो कॉन्जीगेटिव का क्या मतलब है जैसे ए और बी है वो एक साथ नहीं बैठने वाले कहीं भी है ना अगर ए यहां आ गया तो बी नहीं आएगा बी यहाँ गया तो ए नहीं आएगा बी यहाँ गया तो दोनों साइड ए नहीं जाएगा तो जैसे बी और सी एक साथ नहीं बैठेंगे ठीक है सी और डी एक साथ नहीं बैठेंगे तो ये कहा गया है इसमें इस लाइन में ठीक है अब बी सिट द राइट ऑफ ए इसने ये कहा है ठीक है इसको डिनोट कर लेते हैं मतलब लिख लेते हैं साइड में तो बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ए है यानी एक पर्सन का गैप आ जाएगा इमीडिएट राइट जो जो में है किसके डी के डी uh, right जो है कॉर्नर right हु का मतलब क्या होता है ना हु किसको डिनोट करेगा जो बिल्कुल पास वाला होता है ठीक है डी डी मतलब जो है कॉर्नर पर बैठा है अब डी जो कॉर्नर पर बैठा है डी कॉर्नर पे यानी कि कॉर्नर मतलब इनसाइड तो वो अंदर की तरफ देखेगा ठीक है एटलीस्ट 1% सीट बिटवीन द सी और जी सी और जी के बीच में एक का गैप आएगा लेकिन एटलीस्ट लिखा है इसने है ना कम से कम इतना आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं ज्यादा भी ठीक है ये बात समझ में आई आपको आपके अब आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है अपने पास है ना लेकिन आपके पास एक कंफर्म है कि डी जो है इनसाइड आएगा तो इनसाइड में मतलब यहां लिख सकता हूं मैं यहां, 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 कहीं भी डाल सकता हूं ठीक है ठीक है तो डी को मैं कहां प्लेस करूं सपोज करो मैंने डी को प्लेस कर दिया यहां पे है ना डी जैसे यहां आता है इन देख रहे हैं डी के इमीडिएट राइट right में एफ आना चाहिए यानी कि एफ आपका जाएगा कहां पे यहां पर ठीक है कहीं भी लिख सकता हूं मैं डी को यहां पे लिख दू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनसाइड है सबके सब है ना अब आपको क्या देखना है कि हाँ अब आपको एक चीज यह है कि ए के इमीडिएट राइट right में एक पर्सन छोड़कर बी आएगा और सी से इमीडिएट लेफ्ट में आपका आ, कौन जाना चाहिए ए जाना चाहिए ठीक है और सी और जी के बीच में एक का गैप भी आएगा ठीक है अच्छा ये बात बताओ अगर मैं ए को यहां पुट करता हूं सपोज करो अंदर की तरफ तो ए से एक पर्सन छोड़कर बी यहां आ जाएगा बन सकता है बिल्कुल और सी के इमीडिएट लेफ्ट में ए हाँ तो आ जाना चाहिए सी यहां जाएगा और सी से जी का एक का गैप आना चाहिए एटलीस्ट लिखा हुआ है है इसने ना अगर एटलीस्ट लिखा हुआ है तो जी कहा जाना चाहिए फिर मेरे मेरे पास पास जी जाना जाना चाहिए चाहिए पर आ ठीक है तो दो परसेंट तो अभी भी बच गया अपने पास है ना अब देखो ए बी सी डी ई एफ अब देखो एफ क्या ई e, एफ यहां आ गया है तो ई e को मैं यहां लिख सकता हूं कॉर्नर पर यह बताओ आ... एफ को यहां आ गया है तो ई e मेरा यहां नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है पहली लाइन में ही उसने कहा था कि जो वो एक साथ नहीं जाएंगे अगर एफ यहां आ गया तो ई e यहां नहीं आएगा तो ई e को मेरे को यहां प्लेस करना पड़ेगा एक कोई पर्सन बचा है ए बी अब बी और सी एक साथ भी आ रहेगा इस यहां पे बी और सी भी एक साथ आ चुके हैं तो डेफिनेटली सी यहां नहीं आएगा फिर है ना इसको भी अपने को हटाना पड़ेगा ठीक है इसको एक मिनट हटा देते हैं ठीक है अभी देखो सी कहां आएगा सी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आ, कौन जाना चाहिए ए जाना चाहिए तो सी को मैं यहां लिखता हूं अब ठीक है क्योंकि अगर मैं सी को यहां लिख दूंगा तो बी सी के पास आ जाएगा ठीक है अभी ठीक है आप भी आगे के देखते हैं तो ई e यहां नहीं आएगा तो ई e आपका यहां आ जाएगा अब ठीक है तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच यहां आ जाएगा अब ये बन गया सही क्लियर है सबको हाँ सी यानी आ पाएगा क्योंकि यहां बी आ चुका था ऑलरेडी है ना क्लियर है सबको अतुल ए और बी के बीच नहीं 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 ए और बी के बीच में एक का गैप आएगा ये देखो ना लिखा था बी सिट द राइट ऑफ सेकंड टू द राइट ऑफ ए का मतलब क्या है कि एक का गैप आएगा क्लियर है क्या बात है सर सेम टू सीक्वेंस गलत हो गया सीक्वेंस मतलब फिर नया वो भी गलत हो गया होगा आपका है ना सी और जी के बीच में एक पर्सन एटलीस्ट लिखा था इसने सी और जी के बीच में एक एटलीस्ट कम से कम एक परसन. ये वर्ड देखो ना का लिखा है एटलीस्ट है ना एटलीस्ट का मतलब क्या एक परसेंट कम से कम होगा ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार हो सकते हैं ठीक है क्लियर है सबको किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इसमें अभी सर इसमें जी एच ई की एक्सचेंज भी हो सकते हैं क्या क्या एक्सचेंज करवा रहे हो आप पोजीशन <laughs> अगर पोजिशन चेंज करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ए जो है बी के आसपास नहीं आएगा है ना बी सी के आसपास नहीं आएगा तो कॉन्जिव एक साथ नहीं आ सकते कहीं भी बताना क्या है सर इसमें इसके बाद क्वेश्चन होते हैं कि हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए बताना बताना हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए ए के सेकेंड राइट right में कौन बैठा है ए के सेकेंड राइट right में कौन बैठा है सर मेरा गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं जो जोस्तना ये थोड़ा सा मॉडरेट ही रखा था मैंने है ना मैंने कल बताया भी था आपको आप सब कह रहे थे कि आ, थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़े से पजल्स के क्वेश्चन करा दो सर है ना बी हाँ ए के सेकंड राइट में कौन आएगा बी तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि बी और एच के बीच में कितने का गैप है बी और एच के बीच में कितने का गैप है तीन का गैप है है ना तीन परसेंट बैठ जाएंगे तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो आगे ठीक है आगे चलें गाइस, आगे चलें बताओ अगर डाउट हो तो बताओ फिर मैं बताता हूं नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े ऐसे क्वेश्चन के आदत आदत लग जाएगी तो एकदम आराम से सोल्व हाँ 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 पुनीत बिल्कुल 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 है ना ये थोड़े से स्टार्टिंग में मत कर देना इनको ही अगर सपोज सामने दिखा क्वेश्चन आप सोच रहे हो नहीं नहीं इसकी तो अच्छी प्रैक्टिस है इसमें एकदम से फिर दिक्कत आएगी है ना अगर नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा एग्जाइटी होने लगेगी और फिर आगे का क्वेश्चन गलत कर दोगे आप ठीक है चलो ये बताओ ठीक है सचिन ठीक है नंबर सीरीज के कह रहे हो आप चलो वो भी बढ़ा देता हूँ फिर मैं इसको बताइए जल्दी से हॉकी इंडिया है क्रिकेट का क्या होगा हॉकी इंडिया क्रिकेट इंग्लैंड है ना डी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज कितने कितने का गैप चल रहा है वही आप देख लो फिर उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं तो एफ से एल आ गया तो एफ जी एच आई जे के एम एन एफ जी एच आई जे के एल तो छ प्लस हो रहे हैं यहाँ तो गाइस है ना प्लस सिक्स प्लस सिक्स हो रहे हैं have a nice डे एंड my फ्रेंड इज अनेबल टू स्टडी आफ्टर seeing यू सना खानीज सिंह एक्सक्यूज मी सर गुड मॉर्निंग एंड हैवे नाइस डे एंड माय फ्रेंड अनेबल टू स्टडी आफ्टर सींग यू व्हाट शुड आई डू हैप्पी गणेश चतुर्थी है ना? यहाँ प्लस सिक्स यहाँ प्लस सिक्स आ रहा है एना? तो दोनों में सेम इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ना दोनों में सेम इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है अगर सेम डिक्रीज इंक्रीज हुआ है तो ऑप्शंस के हल्ब से अब जा सकते हैं हम है ना ऑप्शंस की हेल्प से जा सकते हैं अब तो अगर मैं आई से जी पे जाऊंगा तो क्या आ जाएगा देखो आई जी एच आई माइनस टू ठीक है आर एस टी यू वी अच्छा अगर इसमें मैं माइनस दो करता हूं और इसमें भी माइनस दो करता हूं तो मेरे को जी और टी मिल रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए क्योंकि यहां भी सेम डिफरेंस आया है छ का है ना छह छे, छे का प्लस हुआ है यहां भी अगर मैं सेम डिफरेंस करता हूं मतलब माइनस टू माइनस टू तो ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए अपने ठीक है नॉट मैच विथ प्लस सिक्स प्लस सिक्स नया ये देखो ना सेम सिमिलरिटी लगी है इसमें मतलब कि सेम डिफरेंस सेम डिफरेंस इन द सेंस ये अगर यहां प्लस सिक्स हुआ है तो सेकंड वाले में भी प्लस सिक्स जा रहा है है ना? तो उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो माइनस टू इसमें करेंगे <laughs> तो, तो इसमें भी आपको माइनस टू होगा तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बन रहा है अपना है ना तो वैसा लॉजिक मत लगा कि यहां प्लस सिक्स है तो यहां भी मैं प्लस सिक्स करके देखता हूं है ना हाँ माइनस टू से बन रहा है तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ प्रेफरेंस दी जा सकती है ठीक है इसको देखना इसको देखना गाइस, ये तो आपको सामने ही दिख रहा है आंसर है ना उन्नीस का स्क्वायर तीन सौ इकसठ होता है और तीन सौ इकसठ प्लस आ, कितने कर देंगे यहाँ छे इकसठ और छ हो जाएंगे सड़सठ है ना तो उसके हिसाब से आप ये देख लो ऑप्शन नंबर ए चार सौ इकतालीस हो जाएगा और छह ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा वही लगाया था आपने अच्छा इक्कीस का स्क्वायर चार सौ इकतालीस प्लस छ करोगे तो चार सौ सैतालीस आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए क्लियर ठीक है गुड मॉर्निंग रजत कैसे हो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा क्ले सैंड सिल्ट वैली इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द सिलेक्ट वन ये तो आसान है ये क्या है क्ले सैंड सिल्ट ये तो तीनों एक ही है मतलब मिट्टी के प्रकार ही है वैली नहीं होती वैली को आपको एलिमिनेट कर देना है यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा जय महाकाल अभी गाइज ऐसा मत करो है ना लाइक like, शेयर तो एटलीस्ट कर ही सकते हो आप ठीक है तो टू हंड्रेड का हम लाइक्स रखते हैं देखते हैं टू हंड्रेड डबल सेंचुरी कंप्लीट होती है या नहीं होती ठीक है, है? इसमें क्या है ओड वन आउट देखना है तो ए और जे में गैप चेक कर लो एक बार गैप कितने का है ना बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तो प्लस नाइन दिख रहा है यहाँ पे तो है ना और ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तो एन आ रहा है तो यानी प्लस नाइन यहां भी आ रहा है मन, o, P, Q, R, S, T, w हो जाएगा प्लस आ भी आ रहा है तो सात दिख रहा है ना प्लस सेवन हाँ प्लस सेवन दिख रहा है तो यानी कि W आपका ऑड वन आउट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये तो आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा थोड़ा है ना इसका तो आइडिया लग गया होगा आपको थोड़ा थोड़ा 170, 290, 360, 530 क्या बनेगा बताइए मनदीप हो जाएगी स्टार्ट करवाते हैं उसको भी है ना टाइमिंग का थोड़ा इश्यू चल रहा है उसको करवाते हैं स्टार्ट ठीक है देखो आ, एक तो आइडिया ये दिख रहा होगा आपको इन्हें सोच के नंबर देख के कि यहाँ स्क्वायर के आसपास दिख रहे हैं क्योंकि ये तेरह के स्क्वायर के आसपास है है ना एक सौ उनहत्तर और एक सौ सत्तर ये बन सकता है है ना ठीक है दो मतलब कि सत्रह का स्क्वायर होता है दो और एक हो जाता है दो और दो बन जाएगा ठीक है अब पाँच होता है तेईस का और पाँच और एक पाँच बन जाएगा है ना बट अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ तो 19 का स्क्वायर माइनस वन दिख रहा है अपने को 360 है ना तो यही आपका और वन हो जाएगा फिर ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया तो नंबर्स आपको आइडिया लग जाना चाहिए जब भी स्क्वायर के नंबर आपको दिखते हैं कि हाँ ये स्क्वायर के आसपास हो सकता है कहीं है ना ठीक है बढ़िया नेक्स्ट ये तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है बड़ा आसान सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है इसको तो आप जल्दी से उड़ा सकते हो क्या आ जाएगा अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सिक्वेंस इन दे विच द डिक्शनरी हाँ आर्यन ठीक है ठीक है <coughs> क्या आएगा देखो सी ए डी आ गया डी के बाद ए आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वन तो इसको एलिमिनेट कर दो इसको एलिमिनेट कर दो टू तो सेम ही आए फोर और फाइव में वो चेक कर लेते हैं सी ए डी फिर डी आना चाहिए ई e बाद में आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट अब ये भी एक पज़ल आ गई है आपके सामने दोबारा से ठीक है ठीक है ये भी एक पजल आपके सामने आ चुका है बड़ा अच्छा क्वेश्चन तो इसको भी ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से और मेरे को आंसर बताएंगे फिर मेरे को आंसर बताएंगे नीचे वाली लाइन दिख रही है आप सभी को ये बताओ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच आई इज एट टू ई ये लाइन दिख रही है सैमसनी ने स्किप ही कर दिया कह रहे भागो यहां से तुरंत तुरंत <laughs> आपने कल ही कहा था खुद ही कि सर नई नई पदल सिटिंग अरेंजमेंट लाओ हम करेंगे है ना अब आप भाग रहे हो गलत बात है देखो है ना ये गलत बात है ठीक है दो मिनट देता हूँ मैं इसको आसान क्वेश्चन है एक बार ट्राई करेंगे खुद से ठीक है हाँ साइड हो गया है मैं आ, सूरज एक बार ट्राई करो आ, अंकुर शायद एक दो पजल तो दिख जाएंगे आपको है ना पजल सिटिंग अरेंजमेंट दोनों में से एक चीज़ दिख जाएगी ठीक है गाइस टाइम नीचे चल रहा है ओनली टू मिनट्स ठीक है ओनली टू मिनट्स जैसे ही पज़ल तो सिटिंग अरेंजमेंट आ जाती है तुरंत तो भाग जाते हो आप है ना ये गलत बात है ना आसान है बस इसको ध्यान ध्यान से आप पढ़ोगे तो हो जाएगा ये ठीक है तो कल बोल रहे थे दो चार अच्छा हाँ परसान सॉरी यार मैं अब नोट कर लेता हूँ ठीक है इधर वाले केस कह के रहे हो आप ठीक है सिलोजिल में ठीक है कल उसको पक्का करा देता हूँ है ना क्योंकि ये भी कह रहे थे पद सिटिंग तो आज उसको कर लेते हैं कल उसको कर लेंगे ठीक है सोल्व करेंगे तो टेक्निकल भूल जाएंगे अरे नहीं सोशल वर्कर टेक्निकल क्यों भूल जाओगे ये बताओ। स्लोव नहीं स्लो सोल्व करना है देखो दीपक ने डन भी कर दिया है।, है ना तो इतना मुश्किल नहीं है इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा माइंड यूज करो हो जाएगा ठीक है स्किप 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 सबको सब स्किप सब कर रहे हैं इसको और कल मेरे को बोल रहे थे सबके सब नहीं सर सीटिंग अरेंजमेंट पजल लाओ आप हम करेंगे है ना अभी सब स्किप करते जा रहे हो लास्ट लाइन क्लियर नहीं है सर मनप्रीत लास्ट लाइन कौन सी हिंदी इंग्लिश adjacent एच आई टू लिखा है लास्ट लाइन में ठीक है चलो मैं बता देता हूँ अब आपको ठीक है चार लाइन पांच लाइन की पजल थी इससे ज्यादा थी भी नहीं है है ना क्या है रीड द फॉलोइंग आंसर अच्छा ठीक है नाइन परसेंट है नो परसेंट है ए से लेके आई तक है ना तो नो परसेंट लिख लेते हैं अपन यहाँ ए बी सी D, E, F, G, H एंड I. ठीक है नो पर्सन इनको अरेंज करना है आपको कैसे अरेंज करना है सिट इन द स्ट्रेट लाइन है ना लीनियर लाइन में अरेंज कर रहे हैं रोंग फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ सबके सब, सब कहा देख रहे हैं नॉर्थ में देख रहे हैं तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया तो ना तो आपको चेंज करनी है डायरेक्शन है ना तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ ठीक है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई तो इसको नोट अलग से कर लेना क्योंकि यहाँ पे ट्रेन इन्फॉर्मेशन नहीं है बी अगर थर्ड टू द लेफ्ट है तो दो का गैप आ जाएगा एक दो तीन जी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ ए जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए और ए जो है सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी अब देखो ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है है ना तो अपन क्या कर सकते हैं ए अगर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी होगी एक सेकेंड जी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए ए जो है आपका सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है तो बी के लेफ्ट में ही अपन कर देते हैं ना इस तरीके से इसी में एड कर देते हैं बी ए जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हो गया और जी आपका कहाँ जाएगा जी आपका यहाँ पे आ जाएगा इसी में ऐड कर दिया मैंने ठीक है फायदा ये हो जाएगा फिर इसको अरेंज करना है अपने को बस है ना तो इसको अरेंज अरे, कर देते हैं यहाँ से आगे लिखा है कि डी जो है सिट एक्जैक्टली मिडल ऑफ द रो अच्छा मिडल ऑफ द रो है ये बड़ा सही आ गया डायरेक्ट तो इसको डायरेक्ट पुट कर दो डी जो है मिड में बैठेगा यानी कि मिड मतलब चार इधर छोड़ दो चार का गैप इधर एक दो तीन चार डी आपका यहाँ पे आ जाएगा एक दो तीन चार ठीक है बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी और एच बी जो है डी का नेबर नहीं है डी के आसपास नहीं आएगा और बी जो है एच का नेबर भी नहीं है उसके आसपास भी नहीं आएगा सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच सी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है इमीडिएट लेफ्ट मतलब उसके बिल्कुल पास में आना चाहिए वो ठीक है और आई जो है एडजस्टेंट है आई मतलब एडजस्टेंट का मतलब क्या है बिल्कुल उसके पास में आएगा आई जो है एडजस्टेंट है किसके ई e के ठीक है अब आपको ई e को सेट करना है अगर आपने ई e को सेट कर लिया तो काफी आसानी से आप अब कर जाओगे ठीक है तो आपको पता है ई एक दो तीन चार पांच छ तो अगर हम यहां से लिखते हैं तो एक दो तीन चार पांच छ तो अगर मैं ई e को यहां सेट करता हूँ क्या ये स्टार्ट हो सकता है बताओ हो सकता है बेसिक जो सबसे मिनिमम आपका बनेगा वो यहां से बन सकता है ठीक है तो अगर मैंने ई e को यहां रखा दो का गैप लेफ्ट में जाएगा उसके दो का गैप छोड़ के आपका बी आएगा बी यहां आ जाएगा जी आपका यहां आ जाएगा ए को आपको यहां सेट कर सकते हो इतना मिनिमम हो सकता है ठीक है अब आप ध्यान से देखो बी जो है डी के आसपास नहीं आ सकता बी डी के आसपास नहीं है बी एच के आसपास नहीं है यानी कि एच यहां नहीं आएगा ठीक है अब आपके पास एच के इन्फॉर्मेशन जो है या तो यहां लिख सकते हो आप यहां यहाँ लिख सकते हो लेकिन आई और ई e एक साथ आने वाले हैं तो ई e को सेट कर दो पहले जैसे ई e सेट हो जाता है अब आपका सी और एच बचा है तो आसानी से आप कर सकते हो क्योंकि दो प्लेस मेरे पास कौन से खाली है ये वाले खाली है तो एच यहां रखो सी यहां रखो कोई एक पर्सन बच गया है उसको देख लो ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ है एफ जी एच आई है ना कंप्लीट हो गया आसान था देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था आपको क्योंकि क्या नो no पर्सन को अरेंज करना है ना बड़ा नंबर हो गया ठीक है क्लियर है सबको ठीक है इजी क्वेश्चन था अगर आप डरोगे नहीं इससे सिटिंग अरेंजमेंट से, से डरोगे नहीं तो आराम से आप इसको कर जाओगे और जो इसको करेगा एग्जाम में वो ही मतलब लीड ले जाएगा दूसरों से है ना क्योंकि सब लोग नहीं करने वाले इसको सेम सर सही बन गया है ना तो अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे चीज़ों को लाइनिंग एक को एक अरेंज करते जाओगे तो बन जाएगा फिर है है ना कार्बन कॉपी जैसा सेम है सर मेरा <laughs> सही है सर सही है सही है, मेरा निकला बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है अब चलो अच्छी बात है आपको फायदा हो रहा है क्लासों से बस वही मैटर करता है, है ना एकदम बढ़िया सर मैंने भी सेम अरेंज किया था बहुत बढ़िया गाइस है ना आपको क्लासेस से फायदा होना चाहिए ये आप डायरेक्ट यूज कर पाओगे एग्जाम में है ना और एग्जाम में इन क्वेश्चन को जब आप टैकल करोगे जिन इन क्वेश्चन को सही करोगे तो फिर आप लीड पे पहुंच जाओगे दूसरों से है ना क्योंकि दिस इज द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है ना मुझे भी समझ में आ गया सर थैंक यू अंजलि थैंक यू सो मच सब ठीक बना हाँ तो अब अगर इसमें कोई पूछता है कि ए के थर्ड राइट में कौन है तो आराम से आप बता सकते हो वन टू थ्री एफ है है ना डी के फोर्थ लेफ्ट में आप पूछा होगा तो बता सकते हो एक दो तीन चार ए है है ना तो अब आराम से जो भी क्वेश्चन वो पूछता है तो आराम से वो बन जाएगा मेन था आपका ये अरेंज करना बस उसके बाद दो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन होते हैं वो इजीली आप कवर कर जाओगे बहुत आगे जाओगे खूब मजा आ रहा है चलो बहुत बढ़िया ठीक है इसको बना दीजिए इसको बनाइए गाइज इसको बनाइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है मेरे को ये भी बताओ आप ए सी ई एफ एच जे के ओ और देन क्वेश्चन मार्क हमको सर आपको ही देखकर कॉन्फिडेंस आ जाता है क्वेश्चन तो कर ही दूंगा ठीक है वेरी गुड थैंक यू आर्यन थैंक यू सो मच ठीक है इसको बताइए क्या आएगा आंसर कितने कितने का गैप चल रहा है बस वो आप पता कर लो फिर आसानी से आप कर लोगे तो ए बी सी तो यहां दो का गैप चल रहा है 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 ना प्लस टू, और आगे कितने का गैप चल रहा सी डी ई प्लस टू ई e, एफ यानी कि प्लस वन है ना प्लस टू, प्लस टू प्लस टू प्लस वन तो जे के आ गया ओ एम एन ओ पी आना चाहिए पहले है ना पी के बाद में दो का गैप आएगा पी क्यू आर आर आएगा आर एस टी टी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन ये चल रहा है हाँ ये प्लस फाइव भी कर सकते हो आप है ना ठीक है इसको बताना इसको बनाना गाइस क्या आ रहा है देखो नंबर सीरीज ही आप कोई पूछ रहा था सर मेरी नंबर सीरीज वीक है तो ये रहा नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनाओ इसको नौ अट्ठारह बहत्तर पांच सौ छहत्तर और देन क्वेश्चन मार्क और बहुत तेजी से नंबर सीरीज बढ़ गई है यहाँ पे है ना तो यहाँ डिफरेंस तो नहीं हो सकता बन रहे हैं संग थैंक यू निखिल थैंक यू सो मच पुनीत सिंह सर आपकी क्लास में मैं बोर नहीं होता कभी भी थैंक यू थैंक यू पुनीत इसको देखो गैप कितने कितने का चल रहा है गैप अगर आप चेक करोगे तो दिक्कत है क्योंकि यहाँ एकदम से नंबर सीरीज़ बढ़ गई है है ना अट्ठारह से बहत्तर फिर पाँच सौ छिहत्तर फिर एकदम से चार डिजिट का नंबर आ गया है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन तो चल रहा होगा है ना वो मल्टीप्लिकेशन ही आपको ढूंढना है बस आपको तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको नो देन अठारह देन बहत्तर देन पाँच सौ छहतर देन क्वेश्चन मार्क तो अगर हम यहाँ देखते हैं नौ दूनी अठारह यानी कि इंटू टू अठारह चौक बहत्तर ठीक है टू अच्छा यहाँ आठ हो सकता है क्या देखें आठ दूनी सोलह आठ सदी छप्पन और एक सत्तावन इंटू टू इंटू फोर इंटू ठीक है मतलब इंटू टू होता जा रहा है, है ना तो दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह होना चाहिए यहाँ पे है ना सोलह होना चाहिए कितना आ रहा है बताओ इसको मल्टीप्लाई करके लगभग सोलह पंजे अस्सी नब्बे सोलह सत्तर सौ बारह तो नाइनटी टू नाइन ये आ रहा है क्या नौ हजार से थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी हाँ ऑप्शन नंबर डी ठीक है बहुत बढ़िया गाइस है ना चलो अभी क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ मैं होमवर्क के लिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आसान सा इसको करोगे आप ठीक है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज क्लास में है ना तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना क्लास के एंड होने के बाद ठीक है और अगर अभी अभी तक आप क्लासेस पे ज्वाइन नहीं हुए हो मेरे से एप्लीकेशन पे तो एप्लीकेशन पे जो ज्वाइन हो सकते हो आप है ना वहाँ वन टू वन इंट्रैक्शन होता है हम सभी का तो आपको करना क्या होगा आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जैसे आप सर्च करते हो तो पहला लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है एंड गेट एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है ठीक है, गेट एन है उस गेट एंड इंजीनियरिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं है ना इंजीनियरिंग महापैक एस एस सी जी बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं आई होप आपने डी आर के फॉर्म भी फिल करोगे है ना तो उसके लिए आपको डीआरडियू पे क्लिक करना है और अगर आप इंजीनियरिंग महापैक यूज़ करते हो क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी इंजीनियरिंग महापैक पर चल रही है तो डीआरडी ऊ का अलग से कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है वो इसी में इंक्लूडेड होगा एस एस जेई का आर आर बी जेई का ए का एम पी सब इंजीनियर जितने भी एग्जाम्स आपके लाइंड अप आप है वो सब के सब आपको इसमें मिल जाएंगे ठीक है आपको करना क्या है सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो जिस भी ब्रांच के आप हो उस पर आप क्लिक करना ठीक है सपोज करो आप सिविल इंजीनियरिंग के हो तो सिविल इंजीनियरिंग पर क्लिक करना और नीचे जाके आप चेक कर सकते हो कितने सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं ठीक है पंद्रह एग्जाम्स कवर्ड हैं और डीआरडीओ का भी इसमें कवर्ड है तो आपको करना क्या है सिंपल इसको लेने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा लेकिन जो ये प्राइस दिख रहा है आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, है ना थैंक यू नीरज थैंक यू सो मच कितने बजे से क्लास होती है आयुष ये यूट्यूब पर नौ बजे से क्लास होती है एप्लीकेशन पर तीन बजे क्लास होती है बाय बाय टाटा ठीक है आपको करना क्या है कूपन कोड यूज करना होगा पे आपको मेरा जिससे कि आपको मेरी गाइडेंस में आप आ वाई पांच सौ सोलह डालते है डालती, आपको यहां एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा जो कि सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ होगा है ना देखो आई होप आपको दिख भी रहा होगा है ना बारह हजार तीन सौ उन्नीस रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वाई पाँच सोलह कूपन के साथ है ना वाई सौ को सोलह कूपन आप यूज करोगे इससे आपको बारह हजार तीन सौ उन्नीस रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ यू जस्ट पे थ्री सिक्स सेवन नाइन और आप इस महापैक में एनरोल हो जाओगे जिसमें आपका ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व यानी कि टोटल आपका दो सालों के लिए टू ईयर्स के लिए यहाँ पे ये रहेगा है ना सेवेंटी सेवन परसेंट ओ फाइव लेकिन ये डबल वैलिडिटी सिर्फ आज तक की है तो जल्दी से इसमें आप एनरोल करा लो ठीक है हाँ वो चलती रहेगी पुनीत है ना क्लासेज में यूट्यूब पर कभी बंद नहीं करूंगा आपके लिए हमेशा चलती रहेगी ठीक है वहां से भी आप पढ़ सकते हो अगर आप इसमें फाइनेंशियल थोड़े फ्रीडम हो आप थोड़ा खर्च कर सकते हो तो आप इसमें आ सकते हो है ना यहाँ आपको बस फायदा ये मिल जाता है कि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर पाओगे एप्लीकेशन पर क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा है तो आप वहाँ बात करके पूछ सकते हो सर मेरा ये वाला पोर्शन वीक है अभी मैं बात नहीं कर पाता आपसे क्योंकि, क्योंकि कमेंट बहुत तेज़ी से जाते हैं ठीक है लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम धनबाद थैंक यू आदर्श थैंक यू सो मच डीआरडीओ आर का लेना था सर एक था डी के लिए आप इससे ले सकते हो क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी चली हुई है ठीक है डीआरडी को इसमें इंक्लूड है अगर आप इसको लेना चाहते हो तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्योंकि अभी डबल है तो इसलिए फायदा हो जाएगा आपको दो सालों तक जितने एग्जाम्स आएंगे वो सारे कवर्ड होंगे ठीक है और अगर आप सिर्फ डीआरडी को चाहिए तो फिर आपको गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाना है प्रोसेस सेम अभी भी डीआरडीओ पर क्लिक करना है अभी तो डीआरडीओ पे सारे एग्जाम्स आपके आ रहे हैं जितने भी मतलब अलग अलग ब्रांच के हैं ठीक है तो जैसे टेक्निकल सिविल ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो जिस भी ब्रांच के हो आप उस पर क्लिक करना ठीक है uh, बुक कितने दिन में आ जाएगी डिलीवर राहुल बुक जल्दी आ जाता है है ना हिंदू वो स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है सेम प्रोसीजर है यहाँ भी बाय नाउ पर क्लिक करोगे है ना अगर आप मैकेनिकल के हो जिस भी ब्रांच के उस पर क्लिक करना कूपन कोड यूज करना पड़ेगा आपको अप्लाई करते होगा अच्छा हो हो आपको ठीक है बट मेरा जो मानना है कि अभी आप महापैक लो क्योंकि है, है उसमें सारे एग्जाम्स भी कवर्ड है ठीक है लव फ्रॉम जम्मू थैंक यू उबेद यूसुफ ठीक है आप देख पा रहे होंगे वाई पाँच सौ सोलह से आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है ठीक है और अगर आपको बुक लेनी है जो आप पूछ रहे थे मॉक टेस्ट बुक तो वाई पाँच सौ सोलह ऐसे लगा देना बस ठीक है चलो आ, नहीं नहीं इंदू आपके मैसेज दिख रहे हैं अभी डिसलाइक मत करो गाइज है ना मैं सुबह सुबह उठ के आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए आपको है ना डिसलाइक क्यों कर रहे हो ठीक है थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैव ए नाइस डे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू